क्षत्रिय पीपाधरजी समाज द्वारा आज ये भव्य कार्यक्रम हुआ है। आप देखें कि बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे सभी आए हैं और सभी तिलक लगाकर अभिवंदन पर प्रभु के चरणों में शीश नवाते हुए आज ये पूरा कार्यक्रम संपन्न लगभग होने आया है। आधा कार्यक्रम हो चुका है, आधा कार्यक्रम होने वाला है और माताएं भी आ रही हैं। जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं हमारे जी, क्या कहना चाहेंगे इसके आयोजन में और आप भी अपने आप को नहीं रोक पाए? समारोह में आज जन इकट्ठे हुए हैं, समाज के लोग, बालक, बच्चे, औरतें सभी जोर शोर से ध्वजा चढ़ाई गई है। महादेव सबकी इच्छा पूर्ति करें इसी मनोकामना के साथ। आइए मिलते हैं हमारे भाई पत्रकार साथी से और जानते हैं कि आखिर इनके इन छोटी छोटी परंपराओं के बीच में कितने बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, कितनी बड़ी उपलब्धियां छुपी हुई है। तो स्वागत है राजमल जी का और थोड़ा विश्लेषण करके बताएं कि ये जो ध्वजा है और रात से अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है उसमें क्या कुछ आपने देखा है और इनका जो विश्लेषण हुआ है, समाज ने जो किया रात को मंथन किया है और उस मंथन में क्या निकल के आया है? जय पीपा जी की, जय कुंतेश्वर महादेव की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फरारा चोकला संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय धरती समाज का फरारा चोकला के द्वारा 44वां ध्वजा समारोह का ध्वजा आज चढ़ाई गई है। इसको लेकर रात्रि में विधि विधान पूर्वक ध्वजा को समाज जनों के द्वारा केसर कंकु द्वारा पूजा अर्चना की गई। उसके साथ ही रात्रि में ध्वजा को रखा गया, उसके साथ सुबह सवेरे गर्भगृह से विधि विधान पूर्वक कुंतेश्वर माँ के गर्भगृह से ध्वजा शिखर तक पहुंचने के बाद पूरे मंदिर परिसर में पहुंची और सभी समाज जनों के द्वारा यह महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया एवं सभी समाजजन, क्षेत्रीय समाजजन यहाँ पर दूर दूर से पहुँचे इस ध्वजा समारोह को देखने के लिए। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर संपूर्ण मेवाड़ चोकला द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उसमें कुछ प्रतिभाएं जो कुछ निकल के आई है समाज के द्वारा, किसी ने किसी अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय, किसी ने पढ़ाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको सभी को सम्मानित किया जाएगा। जो क्षेत्रीय विधायिका है दीप्ति जी महेश्वरी, वो भी आज इस समारोह में पहुंचेगी और अपनी घोषणाएं जो भी होगी वो करेगी। इसी के साथ जय पीपा। ये छोटे छोटे आयोजन क्या समाज को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हमारे समाज पीपा सदर्जी समाज छोटा सा समाज है। इसी साल में जैसे कैलाशपुरी में मार्च महीने से ये समारोह आयोजन शुरू होते हैं तो लगभग कटार, भिंडर और फरारा, चारभुजा ऐसे अन्य चोकला में ये कार्यक्रम आयोजित होने के बाद फरारा जब भी कार्यक्रम लास्ट अंतिम होता है, ये हमारा आयोजन लगातार हर 15 दिन मंथ में कैलाशपुरी के आयोजन के बाद मार्च से लेके मई महीने तक ही ये कार्यक्रम होते हैं। इसमें समाज का समागम होता है, सब दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और समाज का तालमेल बनाता है। युवा शक्ति, युवतियाँ, महिलाएँ सभी एक दूसरे के मिलजुल कर यहाँ पर अपना स्नेह मिलन समारोह के रूप में अपनी भावनाओं के साथ परिचय करती है और इससे यह समाज से समाज का जुड़ाव बना रहता है। क्या रिश्तेदारी भी यहाँ बढ़ती है? हाँ, जैसे कोई युवती युवतियाँ, लड़के लड़की यहाँ पर आते हैं तो कुछ जो भी है सगे संबंधी संबंध भी यहाँ पर बनते हैं, एक दूसरे को यहीं पे देख लिया जाता है। इसके लिए भी ये हमारा समाज का समागम बहुत ही अच्छा बना रहता है। क्या राजमल जी यहाँ पर वो मित्र भी मिले हैं जो कई वर्षों के बाद मिले हैं? हाँ, ऐसा भी होता है क्योंकि कुछ फरारा में, जैसे फरारा चोकले में कुछ भी, आप अपनी खुद की बात करें तो शायद नहीं, मैं तो हर समारोह में पहुंच जाता हूँ, वैसे कोशिश भी करता हूँ पहुंचने की, पर बाहर से कोई भी, जैसे फरारा के कोई भी लोग हैं जो जैसे यहाँ के जो मोहन लगते हैं, मोहन लगते हैं, हाँ कोई बात नहीं, जो भी है, हाँ जो यहाँ रहते हैं वो केवल फरारा में कार्यक्रम होता है उसी दिन आते हैं और अपना मकान में सभी को आश्रय देते हैं, जैसे नहाना धोना, उठना बैठना, वहाँ पर सभी महिलाओं के द्वारा निःशुल्क सुविधाएं दी जाती है। साल में वो एक बार फरारा का कार्यक्रम होता है तभी आते हैं, बाकी वो अपना काम भूल में करते हैं और बाहर रहते हैं वो सब। लेकिन समाज के कुछ लोग यहाँ पर, जैसे दूर दूर से लोग या आसपास इलाकों में
इसी समारोह में, जैसे फरारा का नेक्स्ट अगले मंथ अगले साल वापस यही उत्सव आएगा, तभी लोगों का मिलना इस फरारा में होगा। जैसे भिंडर चौकला में भिंडर लोगों का भिंडर चौकला संबंधित होता है, बाकी समाज के सामान्य अतिथिगण तो समय समय पर अपना निमंत्रण आता है तो मिल ही जाते हैं वैसे, पर ये बाकी के लोग सभी इसी कार्यक्रम में समाज का समागम देखने को मिलता है। राजमल जी, आप जागरूक आदमी हैं, आप आ भी जाते हैं, लोगों को बताते भी हैं, समाचार के माध्यम से भी बताते हैं, वैसे भी बताते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए नहीं आना चाहते, उनके लिए क्या है? उनके लिए देखो, किसी किसी की परिस्थिति होती है कि बिजनेस, जैसे हमारा काम है सिलाई का, सिलाई में देखो समाज का काम सिलाई का, सिलाई के लिए भी देखो कुर्सी पे बैठेंगे तो ही सिलाई कर पाएंगे, बाकी ऐसे भी परिवार है जो उनका गुजारा सिलाई से चल रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन समारोह में आने से ठीक है समागम बना रहता है, बाकी किसी की सोच होती है कि ऐसे समागम में नहीं जाना है तो नहीं आते हैं, बाकी तो अक्सर लोगों का यहाँ मिलना जुलना हो जाता है। जैसे अपन किसी समारोह में जाते हैं तो यहाँ पर हज़ारों लोगों से अपन अपना मिलना हो रहा है, बाकी हज़ारों लोगों को जाने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और यहाँ इसी समारोह में आने के लिए कम पैसे में अपन सब लोगों से परिचित हो सकते हैं, सब लोगों से अपन मिलजुल के बात कर सकते हैं, और अपनी बात को इस एक जाजम होती है उस जाजम पर अपन रख सकते हैं कि हमारा ये समाधान होना चाहिए, हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी को ये करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को ये करना चाहिए। राजमल जी, अन्य जो और भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे सम्मेलन हो गया, एक स्नेह मिलन हो गया, क्या ऐसे आयोजन भी इस कार्यक्रम के साथ साथ हो सकते हैं? हाँ, होते ना, जैसे हम अभी संपूर्ण मेवाड़ अखिल भारतीय कृपा क्षत्रिय दलित समाज सभा द्वारा सामूहिक सम्मेलन की घोषणा हो चुकी है, 14 फरवरी 2024 को सामूहिक जो जगह तय करनी है बस, बाकी हमारा आयोजन के लिए संपूर्ण मेवाड़ अखिल भारतीय कृपा क्षत्रिय दलित समाज सभा ने सामूहिक सम्मेलन की घोषणा की है। जैसे स्नेह मिलन अभी वर्तमान में पूर्व में हो चुका है, वो नाद्वारा में एक माता जी के मंदिर में हो गया है, वहाँ समाज वालों नाद्वारा मित्र मंडल द्वारा स्नेह मिलन रखा गया था, अब अभी तक स्नेह मिलन देखो अब आने वाली इसी फरारा महादेव के प्रोग्राम के बाद ही वहाँ स्नेह मिलन रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब, माता जी का भी शुक्रिया आपसे बात की, और कुछ कहना चाहेंगे? बस आपका ये YouTube चैनल हर समाज के हमारे यहाँ के संदेश को हर समाज में पहुँचाए, ताकि आने वाले समाज भी ऐसे समारोह आयोजन करते रहे। एक चीज़ और पूछती थी, कोई बुकलेट वगैरह समाज की निकलती है और वो कहाँ से मिलेगी, थोड़ा बताएंगे? समाज की बुकलेट हमारे द्वारा यहाँ प्रिंट नहीं होती है, केवल एक मंथली पिपा श्री पिपा प्रकाश प्रकाशित होती है, वो जोधपुर से होती है, उसमें हमारे समारोह जैसे ये समारोह हो गया इसकी खबर प्रिंट मीडिया में हम भेजेंगे, इसकी खबर प्रिंट मीडिया में प्रिंट होकर उसी हर मंथली एक मासिक किताब प्रकाशित होती है वहाँ से, जो शायद आज नरेंद्र जी चौहान संपादक जी है वो भी आज उनका आने का निमंत्रण है यहाँ पर, उनका जैसे मुख्य अतिथि भी उनको बनाया गया है, अपने हो सकता है संभावना है उनकी भी आने की, और अगर मंथली एक दीपा प्रकाश मासिक पत्रिका चलती है जो जिसको जिसने शुल्क जमा करा रखा है उसी को पत्रिका राजस्थान में MP में सब जगह हमारे प्रकाशित होती है। उसमें क्या 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 सामग्री छपती है? उसमें हर मंथ की हर न्यूज़ छपती है, जैसे कहाँ पे समाज वालों ने क्या किया है, जैसे समाज वालों ने कुछ ये जैसे परारा महादेव का स्नेह मिलन समारोह आज 44वां 2024 आयोजित हुआ है, इसका पूरा बायोडाटा विवरण में प्रिंट मीडिया के माध्यम से बनाऊंगा रिपोर्ट और इसको आगे भेजूंगा और प्रकाशित होगा। जैसे युवती परिचय सम्मेलन होता है वो पूरा समारोह हम लिख के भेजते हैं, जहाँ पे भी जो समारोह होगा जैसे पिपा जयंती का, अभी हर जगह पिपा जयंती मनाई तो हमने लिख के भेजा है, तो पूरी बुकलेट में पिपा जयंती का हर समारोह जहाँ कहाँ कहाँ होगा, जैसे चेन्नई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कोलकाता हो गया, सब जगह समारोह ऑल विश्व में जहाँ पे भी प्रोग्राम हो रहे पिपा प्रकाश में प्रकाशित होकर आए हैं कि हमारा समाज यहाँ पे भी है, जैसे श्रद्धांजलि वगैरह भी शोक परिवार को शोक संदेश उसी प्रकाश में पेपर प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, और वैसे ग्रुप में भी हमारे ग्रुप में भी शोक परिवार को हम सांत्वना देते ही हैं, ग्रुप बना रखे हैं उसके माध्यम से हम परिवार को सांत्वना देते हैं। शॉप के एड वगैरह भी आपका क्या संदेश है इन समाज की बहनों के लिए और माताओं के लिए? समाज बहनों के लिए संदेश यही है, आओ लो, आओ ले गई जाओ गई और अपने समाज का नाम रोशन करें। कहते हैं कि जननी जने तो एड़ा जनजे, याद आता है असूर नहीं तो रीजे बाजड़ी मती गवाजे में। समाज की जो बहन बेटियां जब मूल स्वरूप में रहेगी तभी समाज मूल स्वरूप में रहेगा, अगर बेटियां बहन जरा सी डगमगाई तो ये समाज पूरा डगमगाएगा। तो आप क्या समाज का महिलाओं के ऊपर ही महिलाओं को सशक्त बनाना है हमारा यह प्रयास है, वर्षों से कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजमल जी का धन्यवाद और सभी समाजजनों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ आए बातचीत कही। किरण जी का इंटरव्यू जी। नमस्कार, मैं किरण गहलोत। आज हमारे यहाँ पे चौवालीसवां खरारा महादेव में ध्वजा समारोह मनाया जा रहा है। इसी ध्वजा समारोह कैलाशपुरी में भी हर साल मनाया जाता है। चैत्र मास की जमा में तो हमें ध्वजा चढ़ाई जाती है। आज यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। प्रोग्राम अच्छा है, सुबह का नाश्ता है, अभी खाना वगैरह है। आप जिस पद पे हैं कुछ जी उसके बारे में भी बताएं, पद के बारे में बताएं और क्या कर सकते हैं सहयोग वो भी बताएं। हमारे समाज की भी लड़कियाँ बहुत आगे बढ़े और अभी रिसेंटली 12th का रिजल्ट आया हुआ है। बहुत सी लड़कियों ने हमारे समाज की भी 95 से भी अबव नंबर हाँ ले रहा हूँ जी। हाँ, लड़कियों को और भी आगे तरक्की करनी चाहिए। वैसे हमारे समाज में जो सिलाई का जो बेसिकली व्यवसाय है वो भी बहुत अच्छा है, ये भी सीख के आगे बढ़ा जा सकता है। फैशन डिजाइनिंग वगैरह ये भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अध्यक्ष के पद पर ये